हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास के जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म कर देंगे, उनका ऑडियो, उनका वीडियो, इट्स एक्सेसिबल टू देम। सो प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज़ एक्सेसिबल टू यू, इट्स ओके। कर दीजिए कन्फर्म, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कन्फर्मेशन का। येस, डू इट क्विकली। सभी स्टूडेंट्स कन्फर्म कर देंगे जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज जो हमारा डिस्कशन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है, और ये मॉड्यूल सी चैप्टर 42, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर से। सो व्हाट इज LAN? लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क दैट लिंक्स कंप्यूटर्स विद इन द सिटी, कंप्यूटर नेटवर्क दैट लिंक्स कंप्यूटर्स विद इन ए बिल्डिंग, कंप्यूटर नेटवर्क दैट लिंक्स कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और कंप्यूटर नेटवर्क विच लिंक्स कंप्यूटर्स विद इन ए कंट्री। तो उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बनता है लैन को डिफाइन करते हुए? क्वेश्चन नंबर वन, वेरी इजी आंसर, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू शुड बी एबल टू आंसर। सो आंसर बनता है हमारा बी, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो अलग अलग कंप्यूटर्स को लिंक करता है विद इन ए बिल्डिंग, तो उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। सो लोकल एरिया नेटवर्क, एक बिल्डिंग के अंदर एक मेन कंप्यूटर रखा जाएगा और उसके साथ अटैच कर दिए जाएंगे कई सारे और कंप्यूटर्स को। तो दिस टाइप ऑफ सेटअप जो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए एस्टेब्लिश होता है, सो दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? अगर कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट किया जाए तो उसका मेन पर्पस क्या रहता है? टू शेयर डेटा, टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, टू इम्प्रूव फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या ये सारे के सारे ही पर्पज़ हैं? क्वेश्चन नंबर टू। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। व्हाट इज मेन पर्पज ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क? सो आंसर हमारा क्या बनता है, देखिए क्या आंसर बनेगा। तो आंसर हमारा बनता है ऑल दी अबव। सो कंप्यूटर नेटवर्क में पर्पस क्या होता है? जो अवेलेबल डेटा है वो शेयर किया जा सके, जो हार्डवेयर है वो शेयर किया जा सके, जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उनको शेयर किया जा सके, ताकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो दैट इज़ द पर्पस। सो ऑल दी अबव इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज़ ए नोड इन ए लैन? लैन के अंदर नोड हम किसको कहते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर प्रोवाइड करें। सो व्हाट इज नोड इन ए लैन? तो लैन के अंदर नोड हम किसको कहेंगे? सेंट्रल सर्विस प्रोवाइडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द नेटवर्क सर्विसेज, सॉफ्टवेयर यूज टू डील विद साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट, ईच इंडिपेंडेंट सिस्टम, अडेप्टर विच इंप्लॉयज स्पेशल टेक्निक्स टू शेयर कॉमन मिनिमम मीडियम बिटवीन कनेक्टेड नोड्स। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा बनता है? सो ऑप्शन हमारा बनता है सी। सो ईच इंडिपेंडेंट सिस्टम, तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर ये इमेज बनाया था, तो यहाँ पे ये एक कंप्यूटर है, तो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ इसको लिंक किया गया, तो ये जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं तो इनको हम कहते हैं नोड्स। तो ये नोड्स हैं।
तो इसीलिए जो हमारा आंसर बन जाएगा वो सी आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मैक्सिमम डिस्टेंस विच लैन कैन जनरली एक्सटेंड अप टू, आम तौर के ऊपर। सो कितनी डिस्टेंस तक सो लैन को एक्सटेंड किया जा सकता है? 10 मीटर्स, 100 मीटर्स, 1000 मीटर्स या 10,000 मीटर्स? तो अप टू व्हाट लेंथ जनरली दिस कैन बी एक्सटेंडेड। सो इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 100 मीटर्स। व्हाट इज द की एलिमेंट ऑफ लैन ऑपरेशन? सो लैन की ऑपरेशंस है उनके की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? शेयरिंग कॉमन केबलिंग, पूलिंग रिसोर्सिस विद इन ए वर्क ग्रुप, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर की एलिमेंट्स? तो की एलिमेंट्स हैं ए एंड बी दोनों ही, शेयरिंग कॉमन केबलिंग एंड पूलिंग द रिसोर्सेज विद इन द वर्क ग्रुप। रिसोर्सेज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। व्हाट इज अ स्पेशल टेक्निक यूज्ड बाय नेटवर्क अडेप्टर्स इन ए लोकल एरिया नेटवर्क? सो जो नेटवर्क अडेप्टर्स हैं लैन के अंदर, उनमें स्पेशल टेक्निक क्या यूज होता है? शेयरिंग कॉमन सॉफ्टवेयर, शेयरिंग कॉमन केबलिंग, शेयरिंग कॉमन हार्डवेयर या शेयरिंग कॉमन प्रोटोकॉल्स? व्हाट इज अ स्पेशल टेक्निक यूज्ड बाय नेटवर्क अडेप्टर्स? तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर? सो विच अपियर्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट। तो आंसर हमारा बनता है बी, शेयरिंग कॉमन केबलिंग। तो स्पेशल टेक्निक है जो केबल्स हैं उनको शेयर किया जाता है। नाउ जैसा हमने एग्जांपल में देखा था, सो देयर इज मेन कंप्यूटर, तो इस कंप्यूटर के साथ सो जो कुछ भी अटैच्ड है सो दैट इज थ्रू केबल्स। तो यहां पे शेयरिंग केबल्स या केबलिंग, सो दैट इज स्पेशल टेक्निक यूज्ड बाय द नेटवर्क अडेप्टर्स। व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल सर्वर इन ए लैन? जो सेंट्रल सर्वर है लैन के अंदर उसका रोल क्या रहता है? तो ये डिफरेंट ऑप्शन आपके साथ है। तो लैन के अंदर सेंट्रल सर्वर कौन सा है? ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कनेक्ट करता है अपने आप को दूसरे कंप्यूटर्स के साथ, तो इसको हम कहते हैं सर्वर। तो इसका रोल क्या है? दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। यस, देखिए कौन सा आंसर करेक्ट बनता है, अप्रोप्रिएट बनता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है दैट इज टू कंट्रोल ऑल नेटवर्क सर्विसेज। तो यही कंट्रोल करता है सारी नेटवर्क सर्विसेज को, तो नोड्स कंट्रोल नहीं करते, नोड्स को भी यही कंट्रोल करता है इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में या रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने में। तो रोल रहता है सेंट्रल सर्वर का। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स दैट लैन कैन सपोर्ट? तो ज्यादा से ज्यादा कितने नोड्स हैं? तो ये नोड्स हैं ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं लैन के अंदर? डिपेंड्स अपॉन द मीडियम यूज टू एस्टेब्लिश द नेटवर्क, 10 नोड्स, 100 नोड्स या 1000 नोड्स। तो इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? क्वेश्चन नंबर 8, सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हमारा बनता है ए। तो ये निर्भर करेगा कि कौन सा मीडियम यूज किया गया, दिस केबलिंग एंड एवरीथिंग, ये डिटरमिन करेगी कि मीडियम कौन सा यूज किया गया जब नेटवर्क को सेटअप किया गया। तो ऑप्शन आंसर ए। व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क? तो
आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, तो आंसर हमारा बनेगा डी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज ए लैन डिस्टिंग्विश्ड बाय, सो लैन किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जाता है, तो उसको कैसे अलग देखा जाता है। शेयरिंग कॉमन प्रोटोकॉल्स, शेयरिंग कॉमन सॉफ्टवेयर, शेयरिंग कॉमन हार्डवेयर या शेयरिंग कॉमन केबलिंग। तो व्हाट इज ए लैन डिस्टिंग्विश्ड बाय, तो उसको डिस्टिंग्विश्ड कैसे किया जाता है। तो इट इज डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज ऑफ शेयरिंग कॉमन केबल्स, कॉमन केबल्स को शेयर किया जाता है, तो वो डिस्टिंक्शन बनती है लैन सिस्टम की। व्हाट इज ए नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शंस इन ए नेटवर्क, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शंस इन ए नेटवर्क, टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर ए नेटवर्क या अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर ए नेटवर्क। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है जो टोपोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकता हो, नेटवर्क टोपोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 11। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। सो आंसर बनता है ए, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शंस इन ए नेटवर्क, तो उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी, कि फिजिकली नोड्स को और जो कनेक्शंस हैं नेटवर्क के अंदर उनको कैसे प्रोवाइड किया गया है। सो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। व्हाट आर नोड्स इन ए नेटवर्क टोपोलॉजी, सो नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर नोड्स किनको कहते हैं, तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। Devices like switches, routers, software with switch and router features, types of data which can be transferred over network, amount of data which can be transferred over network, या location where data is stored in the network। इनमें से nodes हम किसको कहेंगे network topology के point of view से। आंसर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, नोड्स किसको कहा जाएगा नेटवर्क टोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इट विल बी डिवाइसेस सच एज स्विचेस, राउटर्स, सॉफ्टवेयर विद स्विच एंड राउटर फीचर्स, तो ये सारे के सारे नोड्स कहलवाएंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर। व्हाट आर टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन यूज्ड इन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्स ट्रांसमिशन, तो दो बेसिक फॉर्म्स कौन है लैन के अंदर, जो लैन का डिज़ाइन बनता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए। सो स्टार एंड बस, रिंग एंड ट्री, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल या स्विच एंड राउटर, तो दो बेसिक फॉर्म्स ऑफ लैन कौन कौन से बनते हैं। सो लोकल एरिया नेटवर्क के डिजाइन के अंदर, सो विच आर टू बेसिक फॉर्म्स। स्टार एंड बस ये टोपोलॉजी है, रिंग एंड ट्री ये भी टोपोलॉजी है, तो आंसर हमारा बनता है सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल। सो सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड मीन्स जो एक जगह के ऊपर कंट्रोल रखा गया। विच नेटवर्क टोपोलॉजीज आर यूज्ड इन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नेटवर्क, जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नेटवर्क है उसमें किन टोपोलॉजीज को यूज किया जाता है, रिंग एंड बस टोपोलॉजी, स्टार एंड ट्री को या स्टार एंड बस को या रिंग एंड ट्री को, तो कौन सी टोपोलॉजी को सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नेटवर्क में यूज किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 14।
सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। सो आंसर हमारा बनता है बी, स्टार एंड ट्री टोपोलॉजीज को हम इंक्लूड करते हैं सेंट्रल कंट्रोल नेटवर्क के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आपका अभी तक लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दें। सो जो लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इमीडिएटली कंप्लीट कर देंगे, और जो रिकॉर्डेड वर्जन के स्टूडेंट हैं तो जैसे वो इसको वॉच कर रहे हों, अगर उनको लगता है कि सेशन उनके लिए यूजफुल है तो फिर क्विकली लाइक को कंप्लीट करें। आपके पास ऑप्शन है डिसलाइक को भी करने का। सो आपके लाइक डिसलाइक करने का जो बेनिफिट है वो और बहुत सारे उन स्टूडेंट्स तक जाता है जो इस वीडियो को देखने के लिए एनकरेज्ड महसूस करते हैं आपके लाइक डिसलाइक को देखने के बाद। सो कर दीजिए कंप्लीट लाइक डिसलाइक के प्रोसेस को, एंड आई एम श्योर आप हमारे वीडियो लेसन्स को यूज़ कर रहे होंगे जो अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर। अगर आपने अभी तक इनको यूज़ नहीं किया तो यू मस्ट स्टार्ट यूजिंग देम। तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच नेटवर्क टोपोलॉजीज आर यूज्ड इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल नेटवर्क, जो डिसेंट्रलाइज्ड है उसमें कौन कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी यूज होती हैं? स्टार एंड बस, रिंग एंड ट्री, स्टार एंड ट्री और रिंग एंड बस। तो कौन सी टोपोलॉजी को यूज किया जाता है? क्वेश्चन 15। सो क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन 15 का? यस, मैं वेट कर रहा हूं आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो आंसर बनेगा दैट इज द रिंग एंड बस टोपोलॉजीज। व्हाट इज अ पैकेट स्विचिंग? पैकेट स्विचिंग क्या है? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शंस इन ए नेटवर्क, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शंस इन ए नेटवर्क, मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा ओवर नेटवर्क, या टाइप ऑफ डेटा विच कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर ए नेटवर्क। तो पैकेट स्विचिंग क्या रहता है? क्वेश्चन 16, व्हाट इज द आंसर पैकेट स्विचिंग? सो पैकेट स्विचिंग वो प्रोसेस है जिसमें डेटा को कैसे ट्रांसफर करना है ओवर द नेटवर्क। तो इट इज मेथड ऑफ ऑपरेशन, ऑप्शन सी इज द आंसर। तो इंफॉर्मेशन के जो पैकेट्स हैं वो ट्रेवल करते हैं, सो स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। सो दिस इज मेथड ऑफ ऑपरेटिंग हाउ डेटा विल बी ट्रांसफर्ड इन द नेटवर्क। व्हाट इज बस टोपोलॉजी? सो बस टोपोलॉजी का फीचर क्या है? ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड लूप, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए सिंगल कंटिन्यूस केबल, all devices connected to a central node, या all devices connected in a hierarchical form. Question number 17. So, हम आंसर करेंगे बस टोपोलॉजी का कौन सा फीचर है इसके अंदर, क्वेश्चन 17। सो क्वेश्चन 17 में हमारा आंसर बनेगा बी, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल कंटिन्यूस केबल। तो इस तरह से उनको अटैच किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सर्वर है और ये हमारी सिंगल कंटिन्यूस केबल है। तो कुछ डिवाइसेस को यानी नोड्स को यहाँ पे, कुछ नोड्स को यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सिंगल कंटिन्यूस केबल है। तो जब इस प्रकार का प्रोसेस हो तो वी कॉल इट बस टोपोलॉजी। हाउ डज डेटा ट्रांसमिशन वर्क इन रिंग टोपोलॉजी? अगर वो रिंग टोपोलॉजी है तो उसमें जो डेटा ट्रांसमिशन है वो कैसे वर्क करता है? इट इज पॉसिबल इन बोथ डायरेक्शंस,
इट इज़ पॉसिबल इन वन डायरेक्शन ओनली, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क. क्वेश्चन नंबर 18. तो हाउ डेटा ट्रांसमिशन वर्क्स. क्वेश्चन 18, व्हाट विल बी द आंसर. तो डेटा जो है इट ट्रांसमिट्स ओनली इन वन डायरेक्शन. तो ये हमारी रिंग टोपोलॉजी है. तो यहाँ पे नोड है, 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 एंड दे आर कनेक्टेड. और यहाँ पे डेटा एक साइड को ही मूव करता है, लाइक डेटा मूविंग दिस साइड देन दिस साइड. सो डेटा कैन नॉट मूव दिस साइड. तो अपोजिट साइड में डेटा मूव नहीं करेगा. इट इज पॉसिबल ओनली इन वन डायरेक्शन. व्हाट हैपन्स व्हेन ए पैकेट सर्कुलेट्स इन ए रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी के अंदर अगर पैकेट सर्कुलेट करता है पैकेट स्विचिंग के अंदर, तो क्या होता है. सेंट्रल नोड रिकॉग्नाइज इट्स एड्रेस, डेस्टिनेशन नोड रिकॉग्नाइज द एड्रेस एंड कॉपीज द पैकेट कंटेंट ऑन टू इट. Intermediate nodes recognize its address and forward the packet to the next node. Packet is dropped if there is no destination node available. तो क्या happen होता है जब packet circulate करता है in the ring topology? So ring topology क्या है? Already हम देख चुके हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर. तो ये एक रिंग बना है डिफरेंट नोड्स का, जिसमें डेटा वन डायरेक्शन में ट्रेवल करता है. तो जो पैकेट्स हैं जब वो सर्कुलेट करते हैं, सो पैकेट मींस जिनमें इंफॉर्मेशन कंटेंड है, तो उस केस में जो भी डेस्टिनेशन नोड होगा वो रिकॉग्नाइज कर लेगा एड्रेस को, और पैकेट में जो डेटा है उसको अपने ऊपर कॉपी कर लेगा. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर. व्हाट इज एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है. इट कैन हैंडल लार्ज ट्रैफिक, इट ऑफर्स मैक्सिमम एबिलिटी टू चेंज, इफ वन वर्क स्टेशन फेल्स इट विल नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, इफ इट इज कंस्ट्रक्टेड इन ए हायरार्किकल फॉर्म. तो एडवांटेज क्या है बस टोपोलॉजी का. क्वेश्चन नंबर 20. सो एडवांटेज इज के अगर एक वर्क स्टेशन फेल होता है तो बाकी जो वर्क स्टेशन है वो कंटिन्यू करते रहेंगे काम करना. सो इफ वन वर्क स्टेशन फेल्स इट विल नॉट अफेक्ट रेस्ट ऑफ द नेटवर्क. तो बाकी नेटवर्क काम करता रहेगा. व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी. तो बस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या है. इट ऑफर्स अ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंज, इट कैन नॉट हैंडल अ लार्ज ट्रैफिक, द ब्रेकडाउन ऑफ एनी वन स्टेशन कैन डिसेबल द एंटायर लोकल एरिया नेटवर्क, या इट क्वाइट डिफिकल्ट टू सेट अप. तो इसका डिसएडवांटेज कौन सा लगता है. So which of these is a disadvantage? Question number 21 के लिए. So disadvantage is केस में जो flexibility है for change वो limited flexibility available है. What is a star topology? Star topology क्या होता है. All devices connected in a closed loop, all devices connected to a single continuous cable, all devices are connected to a central node, या all devices are connected in a hierarchical form. Star topology का फीचर इनमें कौन सा है. क्वेश्चन 22. सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें. सो आंसर हमारा बनता है सी.
सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया जाएगा विद द सेंट्रल नोड। तो इस तरह से ये सेंट्रल सर्वर है और सभी नोड्स को डायरेक्टली इसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो दिस इज द स्टार टोपोलॉजी। क्वेश्चन 23, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है? इट कैन हैंडल लार्ज ट्रैफिक, इट ऑफर्स मैक्सिमम एबिलिटी टू चेंज, इफ वन नोड फेल्स इट विल नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क, और इट इज वेरी इजी टू सेटअप। तो एडवांटेज क्या है स्टार टोपोलॉजी का? क्वेश्चन 23, सो व्हाट इज द एडवांटेज? द एडवांटेज इज के अगर एक नोड फेल होता है तो ये अफेक्ट नहीं करता एंटायर नेटवर्क को। व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी? तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इट ऑफर्स लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंज, इट कैन नॉट हैंडल लार्ज ट्रैफिक, ब्रेक डाउन ऑफ वन स्टेशन कैन डिसेबल द एंटायर नेटवर्क, और ऑल डिवाइसेज आर इंटरकनेक्टेड इन ए क्लोज्ड लूप। डिसएडवांटेज क्या है स्टार टोपोलॉजी का? सो डिसएडवांटेज है कि इट कैन नॉट हैंडल लार्ज ट्रैफिक, ये लार्ज ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर सकता। व्हाट इज ट्री टोपोलॉजी? ट्री टोपोलॉजी हम किसको कहते हैं? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सभी ऑप्शन को क्लियरली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। ट्री टोपोलॉजी, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड लूप, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए सिंगल कंटिन्यूस केबल, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू सेंट्रल नोड, या डिवाइसेस कनेक्टेड इन ए हायरार्चिकल फॉर्म। क्वेश्चन 25, सो ट्री टोपोलॉजी, सो यहां पे आंसर हमारा बनेगा ए। सो ट्री टोपोलॉजी कैसे बना होता है? तो जितने भी डिवाइसेस हैं उनको इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ये एक क्लोज्ड लूप बन गया। इसी प्रकार का एक और क्लोज्ड लूप बन गया, और उसी प्रकार से और क्लोज्ड लूप्स बन गए। तो ये जो काम करते हैं क्लोज्ड लूप्स के अंदर काम करते हैं, तो दे आर कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड लूप। तो कई प्रकार के क्लोज लूप क्रिएट कर दिए जाते हैं और उसके अंदर वो फंक्शन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी। जैसे ट्री की टहनियां होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। व्हाट आर थ्री टाइप ऑफ नोड्स इन ए ट्री टोपोलॉजी? सो ट्री टोपोलॉजी के अंदर तीन तरह के जो नोड्स हैं वो कौन कौन से हैं? मास्टर, स्लेव, इंटरमीडिएट नोड, रूट, इंटरमीडिएट एंड एंड नोड्स, सेंट्रल, इमीडिएट एंड लीफ नोड्स, एंड पेरेंट, चाइल्ड एंड सिबलिंग नोड्स। कौन कौन से नोड्स हैं जो काम करते हैं ट्री टोपोलॉजी के अंदर? क्वेश्चन 26, सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन 26? सो क्वेश्चन 26 के लिए आंसर हमारा बन जाता है बी, रूट, इंटरमीडिएट एंड एंड नोड्स। रूट, इंटरमीडिएट एंड एंड नोड्स, तो ये तीन टाइप के नोड्स हैं ट्री टोपोलॉजी के अंदर। वेल फ्रेंड्स, इससे पहले कि आज के सेशन को हम वाइंड अप करें, आई वुड लाइक टू शेयर कि अगर आज के लेसन के साथ आपका कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और अगर आपका कोई और क्वेरी है तो उसे आप इस ईमेल आईडी के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर आपने हमारी ऐप को NSTour ऐप को अगर इंस्टॉल कर रखा है तो आप इसके मैसेज बॉक्स में जाकर अपना मैसेज टाइप कर सकते हो। हमारी ऐप के अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज यूज़फुल मिल जाएंगे, तो अगर आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो आपको ज़रूर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।